गुजरात के राजकोट में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल हैं राजकोट में घर घर जाकर। मैं थोड़ा समझा देता हूँ, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदारी से काम करेंगे तो सरकार का खूब पैसा बचेगा जो रिश्वत में जाता है, उससे हम जनता के खूब सारे काम करेंगे। जैसे जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उन लोगों को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं मिलता 3,000-3,000 रुपए हर महीने रोजगार भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और 10,00,000 नई सरकारी नौकरी निकालेंगे। दूसरा, दिल्ली में अभी 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है, बिजली का बिल जीरो आता है, बिल्कुल कुछ नहीं देना पड़ता। पंजाब में हमारी सरकार बनी, पंजाब में भी बिजली का बिल अब जीरो आने लगा है, गुजरात में होना चाहिए, है ना। और पुराने जितने आपके बिजली के बिल हैं बकाया वो माफ कर देंगे, तो अब आपका जीरो बिजली का बिल आएगा सरकार बनने के बाद। तीसरा, हर महिला को हर महीने 1,000-1,000 रुपए उनके अकाउंट में डलवाएंगे, 18 साल से ऊपर की महिला को। स्कूल जितने हैं सरकारी स्कूल, हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, प्राइवेट से भी अच्छे कर दिए। अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में करा रहे हैं। गुजरात में भी सरकारी स्कूल ठीक करेंगे ताकि लोगों का जो खर्चा होता है शिक्षा पे वो खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी कोई अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है तो प्राइवेट स्कूलों को ठीक करेंगे। ये अनाप शनाप गुंडागर्दी करते हैं, फीस बढ़ा देते हैं, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने देंगे। और जितना अस्पताल है सरकारी अस्पताल इनको ठीक करेंगे और सारा इलाज मुफ्त करेंगे, सबका, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, ऑपरेशन सब मुफ्त करेंगे। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका, तो इस नंबर पे नंबर बताओ, इस नंबर पे मिस कॉल मारो 6357 5700230030 मिस कॉल मारो। मैसेज आएगा अभी आपको, आ गया होगा मैसेज, आया कोई भैया? मैसेज आया होगा, दिखाओ। नहीं आया। और सर हम तो शिक्षण के लिए ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो भी सरकार है वो शिक्षण को प्रायोरिटी दे, जो है जो मेन पाया वो शिक्षण, शिक्षा शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा है, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य कोई। और अभी सरकार जो दिल्ली में है देखिए कैसे काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम, बहुत अच्छा काम। आया नंबर सर, आ गया आपका नंबर, आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर है, बताओ जरा। मैं बताता हूँ सर, क्या नंबर है? नंबर है सर 8787 DT ANE। आपका नाम क्या है? भरत वाला। जो 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 भैया मोबाइल नंबर 9797983 8593 81 विधानसभा राजकोट 68 जी। वो आपके घर में कोई बेरोजगार है? बिल्कुल, आपके पास कोई रोजगार नहीं है? ये बेरोजगारी वाला कार्ड है, थोड़ा माइक पीछे करना हल्का सा। आपके घर में बिजली फ्री चाहिए? ये बिजली का कार्ड है, और महिलाएं कितनी हैं? 2 महिलाएं। पकड़ो और उन्नति आवे तो એટલે કહો રહેવા દે ને પણ મારે એકલા બીજાનું શું કરો છો યાર થોડા સમય નીચે કરો થોડા યાર ये आपके लिए हम कर रहे हैं, आप थोड़ा कैमरा पर ठीक है। अभी आपसे सब करवा लिया, ये हम आपके लिए, थैंक यू। और सबको प्रचार करना, चलो आ जाओ, आप आ ही जाओ, बैग ना आप
तो ये हैं अरविंद केजरीवाल जो घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? मनुबेन। मनुबेन जी, अरविंद केजरीवाल जी कुछ समझा के गए हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो करते हैं वो अच्छा काम है। अच्छा, हमें महंगाई इतनी बढ़ गई है तो इसके लिए तो काम अच्छा है ना। वो मुफ्त घोषणाएं कर रहे हैं वो आपको ठीक लग रही है कि इस तरह की मुफ्त घोषणाएं? अभी तो ठीक लग रही है। अभी ठीक लगे? ठीक लगे। मतलब कौन कौन सी योजना इनकी अच्छी लग रही है आपको? बद्दी योजना अच्छी लग रही है। बद्दी योजना अच्छी लग रही है। अच्छा लगा है। अच्छा, थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए। हमने बता रहे हैं वो सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। सब अच्छा ही कर रहे हैं। सब अच्छा चीज पता तो लगे, हम बाहर से आए हैं दिल्ली से, तो कैसे पता लगे कि गुजरात के लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? सब कुछ अच्छा लग रहा है। केसरी सब आएगी तो सब कुछ इसके जो अच्छा। योजना है वो सब अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब ये मुफ्त बिजली और ये इसकी बात कर रहे हैं या रोजगार की बात कर रहे हैं ये या फिर कुछ और आप? ना, सब कुछ अच्छा लगता है। सभी अच्छा लग रहा? सभी अच्छा लग रहा है। थोड़ी जानकारी दो। जानकारी तो मेरे दिल्ली में जो जीरो बिल आता है ना। हाँ, दिल्ली में आप यहाँ राजकोट ही रहते हैं? राजकोट यहाँ स्थानिक के रहते हैं। अच्छा, अब सब जो बिजली यहाँ बहुत महंगी है गुजरात में। हाँ। और दिल्ली तो बिजली, दिल्ली स्टेट है तो बिजली खरीद के लेते हैं, फिर भी लोगों को फ्री में देते हैं। गुजरात में उत्पादन होता है बिजली का, फिर भी महंगा है। महंगा है, ठीक है। ये क्या देके गए हैं जी आपको? एक मिनट जी, आप आ जाइए। महिला कार्ड है? महिला कार्ड है। अरे, कहा है कि 1,000 रुपए प्रति महीने सरकार अगर बनेगी देगी तो देंगे, तो ऐसी योजना होनी चाहिए? ऐसी योजना होनी चाहिए। मतलब क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुफ्त जो है गुजरात के लोग मुफ्त नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, लेकिन ये केजरीवाल साहब देते हैं ना। हाँ। तो अच्छा है। अच्छा, मतलब वो दे रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ। अभी मुफ्त नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम शू है? हाँ, भरत किशोर भाई वाड़ा। आपको कुछ केजरीवाल जी आपसे बात करके गए हैं? हाँ, केजरीवाल सर ने बात की। थोड़ा बताइए क्या कहना चाहेंगे? तो अच्छी बात है, उन्होंने यहाँ घर घर पे अभी आए प्रचार करने के लिए, और उनकी जो सरकार अभी दिल्ली में काम कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली में। अच्छा, और मेन वो शिक्षण को ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ। और बिजली को। अच्छा। और हम ये मानते हैं कि शिक्षण प्रायोरिटी है अभी। अच्छा, ठीक है, जो शिक्षण को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ। वो अच्छी बात है, ठीक है। और आपको गारंटी कार्ड दिया है उन्होंने? ये हाँ, मुझे दो गारंटी कार्ड दिए हैं। किस चीज की? आपने गारंटी मांगी है उनसे? बेरोजगार का एक कार्ड दिया है और फ्री बिजली का कार्ड दिया है। अच्छा, तुम्हें मुफ्त बिजली मांगो छो? जो मरती हो तो ले आओ, कोई वांधो नहीं। अच्छा, चाहिए नहीं, लेकिन अगर मिल रही हो तो बुरी नहीं है तो चाहिए ना, हमें क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, हम सरकार ला रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा गुजराती में समझ नहीं पाया, थोड़ा हिंदी में बता दो। फ्री दे रहे हैं वो अच्छी बात है, और वो हमारा हक भी है, और मिलना भी चाहिए ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमने कहा मना किया, फ्री हम नहीं लेते। ठीक है, मांगो छो। हाँ, हमें मांगे अच्छी मांगे, ठीक है। फ्री मड़ू जो ही है। अच्छा, बराबर। और दूसरा, आपने रोजगार की आपने बात कही? हाँ, रोजगार का कार्ड है, क्योंकि हाँ। अभी मेरे पास तो जॉब है नहीं है। अच्छा, तो रोजगार दे रहे हैं 3,000 महीना, तो अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या मतलब इस तरह की योजना वो लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या आप इस पार्टी के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, पार्टी अच्छी है। अच्छा, हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है, लोगों से मिले हैं और उनको अपनी पार्टी की जो अलग अलग योजनाएं हैं, जो जिसको वो गारंटी कहते हैं, चुनावी वादे हैं उनको वो गारंटी कहते हैं, उसके बारे में बात की है। और गारंटी कार्ड जो है एक तरह से प्रतीक के रूप में लोगों को दिए हैं। और इसी के साथ में अब आम आदमी पार्टी का जो गुजरात के अंदर डोर टू डोर कैंपेन है, यानी कि अब आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन को और बड़े स्तर पर जो है ले जाने की कोशिश कर रही है, तो वो जो कैंपेन है वो अब शुरू हो गया है। राजकोट से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।